लीड कोड 1319, नंबर ऑफ ऑपरेशन टू मेक नेटवर्क कनेक्टेड. ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें एन गिवन होगा, सपोज डेट 4 है, और एक कनेक्शन एरे गिवन होगा. ठीक है, 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 रिप्रेजेंट कर रहा है इस नेटवर्क में कितने नोड्स होंगे. तो 4 है तो मान लो 0 1 2 3. ओके, और ये कनेक्शन एरे है. ठीक है, ये इनिशियली कौन से नोड किसके साथ कनेक्टेड है. ओके, तो ये कनेक्शन एरे से हमें पता चल जाएगा. ओके, सो हमें सारे नोड्स को कनेक्ट करना है, अगर पॉसिबल है तो, नहीं है तो -1 रिटर्न कर देंगे. ठीक है, तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कौन कौन से नोड आपस में कनेक्टेड है, कौन कौन से आपस में कनेक्टेड नहीं है. राइट, जैसे 0 और 2 आपस में कनेक्टेड है, 1 और 0 आपस में कनेक्टेड है, और 1 और 2 आपस में कनेक्टेड है. ठीक है, और 3 कनेक्टेड नहीं है. राइट, तो हमें 3 को इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है. ओके, तो कनेक्ट कैसे करेंगे? कनेक्ट करेंगे केबल के थ्रू. ओके, तो हमें तो पता चल गया 3 कनेक्टेड नहीं है, तो 3 को कनेक्ट करेंगे इस नेटवर्क में, तो केबल के थ्रू कनेक्ट करेंगे. राइट, तो केबल मिलेगा कहाँ से हमें? ओके, तो केबल मिलेगा जो भी नोड्स एक्स्ट्रा केबल के साथ कनेक्टेड हैं उन केबल्स को हम रिमूव करेंगे, और जो नोड्स कनेक्टेड नहीं है उनके साथ उस केबल को यूज करेंगे और कनेक्ट कर देंगे. जैसे इस एग्जांपल को देखते हैं समझ में आ जाएगा. ओके, तो 02 ये कनेक्ट हो गए, वो 01 ये कनेक्ट हो गए. अब 1 और 2 ये जो केबल हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो इस केबल को हम लोग अगर रिमूव भी कर देते हैं तो ये तीनों आपस में कनेक्टेड रहेंगे. ठीक है, तो ये हमें एक एक्स्ट्रा केबल मिल गया. ठीक है, तो हमें पता चल गया एक केबल हमारे पास एक्स्ट्रा है, और हम अब पता करेंगे कौन कौन से नोड नेटवर्क में कनेक्टेड नहीं है. तो हमने पता किया 3 जो है कनेक्टेड नहीं है, तो हमने एक केबल यूज किया और इसे कनेक्ट कर दिया. राइट, तो हमने नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने किए? रिमूव एंड ऐड. रिमूव, केबल को रिमूव किया और नोड को ऐड किया, 1 ऑपरेशन किए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. राइट, एक और एग्जांपल देखते हैं. ठीक है, जैसे इसमें 0 और 2 कनेक्टेड हो गए, 0 और 1 कनेक्टेड हो गए, 0 और 3 कनेक्टेड हो गए. राइट, अब 2 और 1 ये जो एक्स्ट्रा एज है ये हम रिमूव भी कर दें फिर भी ये नेटवर्क आपस में कनेक्टेड रहेंगे. क्यों कनेक्टेड रहेंगे? 0 और 2 और 1 और 0 के थ्रू कनेक्टेड रहेंगे आपस में. तो एक हमें इसके थ्रू एक काउंट मिला, दूसरा काउंट कैसे मिला हमें? 1 और 3 के थ्रू. ओके, इसको भी रिमूव कर देंगे तो हमारा नेटवर्क कनेक्टेड रहेगा. कैसे कनेक्टेड रहेगा? 1 को कुछ पास करना रहेगा तो 0 के थ्रू पास कर देगा, 2 को पास करना रहेगा तो 0 के थ्रू पास कर देगा. ओके, तो 3 और 1 तो हमें एक और एक्स्ट्रा एज मिल गया, तो टोटल काउंट हो गए 2. ओके, तो हम इस दो एज का यूज करेंगे और उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे कौन कौन से नोड्स कनेक्टेड नहीं है. तो हमें पता चला 4 और 5, तो हम इस दो केबल का यूज़ करेंगे और उन्हें कनेक्ट कर देंगे. ओके, तो एक यहाँ यूज़ किया और एक यहाँ यूज़ किया, तो ये नेटवर्क में कनेक्टेड हो गए. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें फाइंड क्या क्या करना पड़ेगा? तो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा एज, ओके, ये फाइंड करना पड़ेगा. उसके बाद नंबर ऑफ डिसकनेक्टेड नोड्स. ठीक है, जैसे यहाँ 2 नोड्स अब डिसकनेक्टेड थे, तो ये जब हमें पता चल जाएगा तो हम फिर इसे सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, तो अब एज तो हम
मान लो हमारे पास दो डिसकनेक्ट, या मान लो पांच डिसकनेक्टेड नोड है, ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5। हम, और ये हमारा नेटवर्क है, ओके, ये हमारा नेटवर्क है। तो हम इन पांचों नोड्स को इस नेटवर्क में कनेक्ट करना है, तो मिनिमम कितने एज रिक्वायर्ड होंगे। तो हमने कहा इसको कनेक्ट कर दो, इसको कनेक्ट कर दो, इसको कनेक्ट कर दो, और इसको कनेक्ट कर दो, और इसको इसके साथ कनेक्ट कर दो। तो 1, 2, 3, 4, 5 मिनिमम 5 एज रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। तो अगर मान लो नंबर ऑफ नोड्स, डिसकनेक्टेड नोड्स अगर एन है, तो हमें नंबर ऑफ एज भी, फ्री फ्री एज भी एन चाहिए, तभी हम इसे कनेक्ट कर पाएंगे नेटवर्क के साथ। अगर नहीं है तो सफिशियंट फ्री एज नहीं है, तो हम नहीं कनेक्ट कर पाएंगे और -1 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो इतना ही अप्रोच, इतना ही आइडिया लेके हम चलते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। तो सॉल्व करने के लिए हम यूज़ क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए हम DSU यूज़ करेंगे, ओके, DSU, ओके। तो मान लो हमारे पास ये नेटवर्क था, 0, 1, 2, 3, 4, 5। हमें पहला एज मिला 0, 1। तो 0 का पेरेंट कौन है, सॉरी, 0 को हम लोगों ने पेरेंट बनाया DSU का कंसेप्ट यूज कर, 0 को पेरेंट बनाया और 1 को चाइल्ड बनाया, ठीक है। ये आया, 0 को पेरेंट बनाया और 2 को चाइल्ड बनाया। फिर ये एज आया, 0 को पेरेंट बनाया और 3 को चाइल्ड बनाया, ओके। ये आया 1, 2, तो 1 का पेरेंट 0 है, 2 का पेरेंट भी 0 है। तो इससे हमें ये पता चला, इसे मर्ज नहीं कर सकते क्योंकि ये सेम सेट में है। सेम सेट से हमें क्या पता चला, ये एक साइकिल फॉर्म कर रहा है। तो साइकिल फॉर्म कर रहा है तो उस एज को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ये एज को काउंट नहीं करेंगे इस नेटवर्क में, ओके। तो इस नेटवर्क में नहीं काउंट करेंगे, तो हमें क्या पता चला, एक फ्री एज अवेलेबल है, तो हमने उसे रख लिया, ठीक है। तो दूसरा 1 और 3, 1 का पेरेंट कौन है, 0, 3 का पेरेंट कौन है, 0। तो 0, 0 है, तो इसे हम लोग मर्ज नहीं करेंगे, और ये सेम सेट में है, तो मीन्स सेम नेटवर्क में है, तो ये एज को हम लोग रिमूव कर देंगे। रिमूव करके यहाँ एड हम लोगों ने रख लिया, तो 2 फ्री एज हमारे पास है, ठीक है। तो अब जो हमारा पेरेंट एरे बना, तो मान लो ये तुम्हारा पेरेंट एरे था, तो 0 का पेरेंट 0, 1 का पेरेंट 0, 2 का पेरेंट 0, 3 का पेरेंट 0, 4 का पेरेंट 4, 5 का पेरेंट 5, ओके। क्योंकि हमें हमारे पास इतने ही एज थे, तो जब हमने इस पे ट्रैवर्स किया तो हमें पता चला यहाँ 3 डिफरेंट नोड्स अवेलेबल है। तो एक कौन सा, एक तो हमारा मेन नेटवर्क में, या 2 डिसकनेक्टेड नोड्स है। तो हम लोगों ने 3 से 1 माइनस कर दिया, जितने भी जो भी काउंट आएगा उसे 1 माइनस कर देंगे। 1 क्यों माइनस करेंगे, 1 हमारा नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें पता चला 2 डिसकनेक्टेड नोड है, ओके। तो 2 को 2 डिसकनेक्टेड नोड है और 2 फ्री एज है, तो ये दोनों बराबर हैं। तो हम इस काउंट को रिटर्न कर देंगे, इतने नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म किया तो ये नेटवर्क कनेक्टेड हो गए, राइट। थोड़ा कोड देख लेते हैं। तो ये हमारा DSU का कोड है, सबमिट करते हैं इसे, ओके। DSU लगा के हम लोगों ने नंबर ऑफ काउंट्स पता कर लिए, फिर हैश सेट यूज किया और नंबर ऑफ नोड्स पता कर लिए और उसे यहाँ चेक कर लिया, ओके। इसे माइनस किया ताकि जो नेटवर्क था वो, एक नेटवर्क का एक नोड माइनस कर लिया और चेक कर लिया, इफ नंबर ऑफ फ्री एजेस इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ डिसकनेक्टेड नोड्स, अगर है तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिटर्न कर दो, एल्स -1 रिटर्न कर दो, ओके। थैंक यू।